अपना प्लेटफॉर्म। Hey all you lovely people, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जसलीन मथारू और आप सभी का स्वागत करती हूँ हम सबके फेवरेट शो में, इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट 2020, द सॉन्ग्स बैंक पावर्ड बाय गुड डे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार आप सबको, पैमला जैन का म्यूजिकल प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़। नमस्कार आदाब, जी हां मैं हूं इस्माइल दरबार। आज बैटल वन राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूं, एंड व्हाट अबाउट यू? इतने दिनों से हमारे सब सिंगर्स ने, सब पार्टिसिपेंट्स ने इतनी मेहनत की, इतने प्यारे गाने गाए, हम सबका दिल जीत लिया और आज खुशी भी हो रही है कि कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े इनाम जीते और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि जो आगे नहीं बढ़ पाए, बट सबने बहुत अच्छी कोशिश की और जो रिजल्ट है सॉन्ग बैंक का दैट हैज बीन बेस्ड ऑन सिंगिंग, जो सिंगिंग क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो द कमेंट्स इन द लाइव चैट्स, जो कमेंट बॉक्स है उसमें किस सिंगर को कितना लोगों ने लाइक किया है उसका भी थोड़ा परसेंटेज हमने रखा है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है फ्रॉम द ऑडियंस कि किस सिंगर को चाह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं उसके बेसिस पे, एंड मोर ऑन द सिंगिंग टैलेंट। सो इन दोनों का एक बैलेंस बना के हमने ये रिजल्ट आउट किया है। सो आइए हम ये जो लिफाफा है खोल के देखते हैं कौन होगा वो, क्या लगता है आपको? मुझे पता है कि आपके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो रही हैं, आप भी सोच रहे हैं कि कौन होगा, सारे कंटेस्टेंट्स भी सोच रहे होंगे कि क्या वो है, सोच रहे हैं मतलब। सो अभी है और टाइम है, डोंट वरी, रिलैक्स, हम धीरे धीरे करेंगे, शुरू करेंगे हम। चलिए दिल थाम के बैठिए, देखते हैं क्या रिजल्ट है। I think I'm so happy क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लड़कियां बाजी मार गई, लड़कियां, I'm so proud of you क्योंकि woman power is always कमाल। जो लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनको तो दिली बधाइयां, उन लोगों ने तो कमाल कर दिया, तो आप लोग सब अभी कमर कस लीजिए क्योंकि आप लोग को बाद में ग्रैंड फिनाले में आना है और वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन हमने जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी हमने सोचा है, उनको बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज है, एकदम दिवाली धमाका कहते हैं ना, ये वो है। तो वो धमाका ये है बेटा कि हमने सोचा, हमारी सॉन्ग बैंक की पंचायत ने सोचा, पंचायत मतलब बेटा जैसे गाँव में सोचते हैं ना सब लोग मिलके, तो ऐसे सॉन्ग बैंक के भी लोग हैं तो डिसीजन सबको मिलकर लेना पड़ता है ना, तो सबने मिलकर ये सोचा है कि भाई क्यों ना हम इन बच्चों के लिए भी कुछ करें। टोटल 20 बच्चों में से हमने 8 बच्चों को प्राइज बांट चुके हैं, अब इसमें से बाकी बच्चों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी हमने एक प्लान किया, हमारी सॉन्ग बैंक ने मिलकर एक डिसीजन लिया और ये कहा कि भाई क्यों ना हम इन बच्चों के लिए भी आगे फ्यूचर के लिए, अब हमारे शो के लिए कुछ जगह रखें ताकि उनका दिल ना टूट जाए और मेहनत करें और आगे आए, तो आपके लिए एक चांस और है, लेकिन बहुत खूबसूरत मौका, एक बड़ा धमाके के साथ। जो टॉप 20 में थे वो हारे नहीं हैं, उनमें से हमने टॉप 10 चुने हैं जिन्होंने सॉन्ग बैंक का दिल जीत लिया है, उन्होंने मतलब सॉन्ग बैंक में इतना अच्छा परफॉर्म किया, मे बी दे कुड नॉट मेक इट टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बट द रिमेनिंग प्राइजेस जो मिले हैं टॉप 10 के अंदर जिनका आया है रैंकिंग, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। द कंपनी के सीईओ एंड चेयरमैन, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है, उन सब के लिए फॉर ईच वन ऑफ देम एक सिंगल्स प्रोड्यूस होगा फॉर ईच आर्टिस्ट एंड उनको लॉन्च किया जाएगा। तो आप लोग देखिए, हम भी बैठिए, आप लोगों के नाम मैं रीड आउट करने वाली हूँ जो टॉप 10 के अंदर है, उन सब का एक सिंगल बनाया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए,
विनर्स कौन है ये जानने के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड 10th नंबर पे है सेंट ज्योति दास। हेलो, मैं हूँ श्रीज्योति। द सॉन्ग्स बैंक को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू कि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए, हम सिंगर्स आर्टिस्ट के लिए लेके आने के लिए। एक्चुअली लॉकडाउन में क्या हो गया था, लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे बोर हो रहे थे, घर पे बैठे कोई काम नहीं था किसी के पास, तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं था कुछ, मतलब एक एनकरेजमेंट भी नहीं था कि हम लोग गाना गाए, कहाँ पे गाए, तो ऐसा। तो सॉन्ग्स बैंक हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म लेके आया, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेके आया हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 थैंक यू कि एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए वो लोग कि घर पे बैठे ही हम अपना गाना इतने बड़े बड़े जजेस को, लाइक इस्माइल दरबार जी, पमेला जैन जी, विनोद राठौड़ जी, सलमा आगरा जी को हम लोग अपना गाना सुना सके। सो ये बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट वो लोग लेके आए, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। मैंने बहुत सारे सॉन्ग मैंने गाए, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला यहाँ पे कि मैं सिर्फ एक ही टाइप के गाना मैंने नहीं गाया, मैंने हर एक जॉनर को मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। और मैं फ्यूचर में भी एक्सप्लोर करती रहूँगी खुद को, कि मैं डेवलप करती रहूँगी खुद को। जजेस ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले मुझे। पमेला जैन जी ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, विनोद राठौड़ जी ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, इस्माइल दरबार जी ने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। सो मैं बहुत खुश हूँ, जजेस के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स से मुझे सीखने को मिलता है कि मेरे में अभी क्या, मुझे क्या डेवलप करना है, मुझे किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, किसके ऊपर काम करना है मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने एडवाइस दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं द सॉन्ग्स बैंक की तरफ से एक सिंगर्स भी जीता मैंने, जो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, उनको भी बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया। इतना लंबा जर्नी चला और इतना प्यारा सा जर्नी था, और सब ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी आई होप के सपोर्ट मिलता रहेगा, और सॉन्ग्स बैंक में मैं आगे जाऊँगी। और थैंक यू सो मच द सॉन्ग्स बैंक हम लोगों को इतना अच्छा, एक इतना प्यारा सा, एक इतना बड़ा सा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा बेटी पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा एक शो लेके आए जो कि बहुत लड़की को आप लोगों ने मौका दिया, उन लोगों ने शो मैंने पार्टिसिपेट करके उन लोगों ने अपना जो टैलेंट है वो आप लोगों को सुनाया दिखाया, ताकि मौका देने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। इसलिए और एक बात है, लॉकडाउन में आप लोगों ने ये शो लेकर आया है, इसलिए और एक बार आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत लड़की ऐसे है घर में बैठ बैठ के बोरिंग हो जाए, फर्स्ट में आते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये शो लेकर आया, बहुत बहुत बेटी ने पार्टिसिपेट किया सॉन्ग बैंक के लिए, सिंगर्स भी जीता है, इसीलिए हम बहुत 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 खुश हैं। थैंक यू सॉन्ग बैंक। इनका भी गाना रिकॉर्ड किया जाएगा सॉन्ग बैंक की तरफ से, और इनका भी एक सिंगल वीडियो बनाया जाएगा, तो गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। नाइन्थ पे है रौनक कुमार।
Hi everyone, I am Ronak Kumar from Ramgarh, Jharkhand. I want to say a big thank you to the Songs Bank for giving me such an amazing opportunity. Songs Bank में ये जो मेरा 3 महीना का जर्नी है ये काफ़ी बेहतरीन रहा और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। सारे जजेस बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही गुरुजन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और बहुत कुछ सिखाया। खासकर पामेला मैम, आप बहुत स्वीट हैं और आप बहुत अच्छे से गा के समझाती हैं। स्माइल दरबार सर के बारे में क्या कहना, वो तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। उन्हें बचपन से हम लोगों ने टीवी पे देखा है और बचपन से मेरी इच्छा थी कि उनके तक अपनी आवाज़ को पहुंचाऊं और सॉन्ग्स बैंक ने ये मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। इस्माइल दरबार सर से थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो थोड़ा सीरियस रहते हैं, बट हमेशा वो हमारा बेहतर ही चाहते हैं। विनोद राठौर सर मेरे फेवरेट सिंगर्स में से हैं, उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है, मुझे मोटिवेट किया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सॉन्ग्स बैंक मुझे सेलेक्ट करने के लिए और मुझे जिताने के लिए। सॉन्ग्स बैंक की तरफ से मुझे एक सिंगल्स गाने का मौका मिला है जिसके लिए मैं और मेरे परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग सभी को तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करते हैं, थैंक यू। मेरी मम्मी कुछ कहना चाहती हैं। थैंक यू सॉन्ग बैंक, सभी बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। बच्चा को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और सभी जजों को, जज को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि रौनक का गाना सुनने के लिए बहुत ही मेहनत किया है बचपन से। थैंक यू, नौवा और दसवा। तो रौनक कुमार का नंबर 9 पर आया है और 10वें नंबर पे आए हैं सेंजुति दास। आप लोगों का भी सॉन्ग बैंक की तरफ से गाना भी रिकॉर्ड होगा और एक गाने का वीडियो भी बनेगा। तो बहुत बहुत मुबारक बच्चों, बहुत बहुत मुबारक। और अब अनार फोड़िए, बॉम फोड़िए, खूब ऐश कीजिए। एट पे है शंकर अभिषेक। हाय एवरीवन, माय नेम इज शंकर अभिषेक एंड ये मेरी मदर हैं मिसेज लता शंकर, और ये मेरी दादी हैं मिसेज कमला शर्मा। आई एम रियली हैप्पी दैट मेरे को सॉन्ग्स बैंक की टीम की तरफ से और जजेस की तरफ से मेरे को ये गिफ्ट मिला है टू रिकॉर्ड ए सिंगल। एंड ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन था, मैं कभी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया हूँ बिकॉज मेरे को बहुत शाई फील होता है, बट मेरी माँ ने मेरे को बहुत पुश किया कि यू शुड गो फॉर दिस, लॉकडाउन का टाइम है तो कुछ करो। तो आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन एंड मेरे को नहीं रियलाइज हुआ कि मैं इतना आगे जाऊँगा। एंड जब टॉप 20 में पहुँचा तो आई वॉज रियली सरप्राइज। विनोद सर, इस्माइल सर और पामेला मैम के जो फीडबैक्स मुझे मिले थे, आई लिसन टू देम प्रॉपरली और मैंने प्रैक्टिस किया जितना मेरे को, जो जो मेरे को करने को उन्होंने बोला मेरे को, आई डिड ऑल दैट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट मैं इतना आगे पहुंच पाया हूँ। आई थिंक दिस इज अनदर स्टेप फॉर मी टू फुलफिल माई ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सिंगर, अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ कंपोजर। सो ऑल थैंक्स टू सॉन्ग्स बैंक टीम, ऑल थैंक्स टू द जजेस एंड especially माई मदर ओवर हियर, जिन्होंने जो मेरे को पुश नहीं करती तो मैं शायद नहीं पार्ट लेता इस चीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तीनों जजेस को नमस्कार करना चाहती हूँ। ये लॉकडाउन की पीरियड में अभिषेक को ये मौका दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर सैटरडे संडे को मैं ये प्रोग्राम देखती रहती हूँ। सॉन्ग बैंक का जो टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ये आगे भी ऐसा रहेगा, मैं देखती रहूँगी। थैंक यू। सेवन पे है रमित कायल। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द सॉन्ग्स बैंक एंड थैंक यू टू ऑल द रेस्पेक्टेड जजेस जिन्होंने मुझे इस
सिंगल अवार्ड के लिए चुना। मुझे इस अवार्ड को पाके बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा पहला रियलिटी शो था और ये मेरा पहला अवार्ड भी है। मुझे इस रियलिटी शो में भाग लेकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जजेस ने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए। ये उनके कमेंट्स मेरे लिए आशीर्वाद जैसे हैं। मैं उनको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे भैया ने अवार्ड जीता। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी द सॉन्ग्स बैंक को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है बच्चों के लिए, और ऑनरेबल जजेस को भी जिन्होंने रमित को सिंगल अवार्ड के लिए चुना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन रमित का थोड़ा वॉइस चेंज भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी लगा रहता था कि जो गाना हम भेज रहे हैं वो जजेस को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन उनको पसंद आया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वो अपना ज़िंदगी की पहले ऐसे किसी रियलिटी शो में भाग लिया और सिंगल अवार्ड भी जीत लिया। थैंक यू सो मच द सॉन्ग्स बैंक एंड थैंक यू जजेस, थैंक यू। नमस्ते, मैं रमित के पापा हूँ और मैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि ये तो उसका लाइफ का सबसे पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो जिसको मैं थैंक्स देना चाहूँगा सॉन्ग्स बैंक को, और थैंक्स देना चाहूँगा कि हमारा जो रेस्पेक्टिव जजेस है, इस्माइल जी है, विनोद जी है और पामेला मैडम जी है, तो उसका जो रिमार्क्स है, एक्चुअल उसका जो रिमार्क्स है वो तो रमित के आगे बढ़ने के लिए तो इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशनल रिमार्क्स तो है ही। तो मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि द सॉन्ग्स बैंक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक्चुअल यहाँ पर आप बच्चों को ले आइए, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव जजेस है तो आपके बच्चे के अंदर अगर 1% भी क्वालिटी आए वो निकल के सबके सामने आने के लिए वो तैयार है। तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा उसका गुरुजी का, मैं थैंक्स देना चाहूँगा उसकी मम्मी को, क्योंकि उसकी मम्मी तो बहुत सारे लेबर दिया है उसके साथ गाने ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि अब कोरोना की तो एक मौसम चल रहा है जिसलिए कोई भी बच्चे तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और मैं फिर भी एक बार सॉन्ग्स बैंक को, सॉन्ग्स बैंक से तो इतना ही तो 3 या 4 महीने तो हम सॉन्ग्स बैंक से जुड़े हुए हैं, हम सब एक फैमिली की तरह है। तो आज तो इस शो का ख़त्म हो रहा है बैटल वन को, तो फिर भी मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि तुम भी सेकेंड राउंड बैटल में और थर्ड राउंड बैटल सब आओ और तुम्हारी जो क्वालिटी है जजेस के सामने दिखाओ। ये क्या है कि बस, और एक बार मैं सबको नमस्ते करके करता हूँ क्योंकि मैं रियली वेरी 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 एक्साइटेड हूँ। 6th पे है राजा सलीम, कांग्रेचुलेशंस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं टॉप 20 तक पहुंचा मेरे दोस्तों और मेरे सभी मिलने वालों के वजह से, और जो सॉन्ग्स द सॉन्ग्स बैंक जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए से आज बहुत ही मुझे अच्छे अच्छे दिग्गज फिल्म इंडस्ट्रीज के म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स जो हमारे जजेज हैं सॉन्ग द सॉन्ग्स बैंक के, उनके सामने मेरी आवाज़ पहुंची उनके कानों तक, इसका श्रेय द सॉन्ग बैंक को जाता है। और मैं तहे दिल से आभारी हूं इस बात का कि आज सॉन्ग्स द सॉन्ग्स बैंक ने
इतना अच्छा काम किया है कि ऑनलाइन जो ये प्रोग्राम्स शुरू किया, इसके अंदर मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि जब मैंने 100 रुपीज़ का जो ये फॉर्म फिलअप किया था कि मैं वो 100 रुपीज़ आज मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है। वो इसलिए कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं जनाब इस्माइल दरबार साहब, विनोद राठौड़ साहब और प्रमिला जैन जी, ऐसे ऐसे दिग्गज जजेस, उनके कानों तक मेरी आवाज जाएगी और ये आवाज मेरी द सॉन्ग बैंक ने पहुंचाई है। गाने से मुझे बहुत प्यार है और बचपन से ही मैं गा रहा हूँ। मेरी माँ ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरे बड़े भैया ने मुझे गाने की थोड़ी सी जो भी तालीम होती वो दी और अब मैं, मेरे को खुशी इस बात की है कि मेरी आवाज सॉन्ग बैंक ने पहुंचाई बड़े दिग्गजों, म्यूजिक डायरेक्टरों के सामने। मैं हारू जी तो इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सॉन्ग बैंक ने मुझे बड़े ही अच्छे जजेस के सामने मुझे गाने का मौका दिलाया। आज तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़ी मेरी हिम्मत है ये सॉन्ग्स में इनको लेके, और इस्माइल दरबार साहब बार बार बोलते हैं राजा सलीम, तो इसमें क्या, ये क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजा नाम दिया था मेरी माँ ने, जो मरहूम है, उनकी दुआएं मेरे साथ, और सलीम मेरा नाम है ही। मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि राजा सलीम मैं क्यों हूँ। मेरी बड़ी बहन है, ये संगीत टीचर है उदयपुर राजस्थान में, तो दो बार मेरे लिए बतौर आशीर्वाद बोलेगी मेरी बहन। ये जो आपका प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत आगे बढ़े प्रोग्राम, और मेरे भाई को जो आपका आशीर्वाद मिला है ऐसे मिलता रहे। मेरा लाडला, मेरी माँ का लाडला है, बस आपके आशीर्वाद के तले आगे बढ़ता रहे। भक्ति प्रार्थना है मेरे से आपको, धन्यवाद। सभी दोस्तों से और सभी मेरे हिंदुस्तान वासी ऑल वर्ल्ड से मेरी गुजारिश है कि द सॉन्ग बैंक जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ही अच्छा चांस है, आप लोग सब पार्टिसिपेट करें, ऑडिशन चालू है। मेरे नाते का आज बर्थडे है, 1 साल का बच्चा, देखो देखिए इसे। 1 2 3 4 अब छठे का नाम है राजा सलीम, सातवें का नाम है रमित कायल और आठवें का नाम है शंकर अभिषेक। तो भैया बहुत बहुत मुबारक सभी बच्चों को, और आप लोगों के साथ भी एक एक गाना सिंगल रिकॉर्ड किया जाएगा और सॉन्ग बैंक की तरफ से रिकॉर्ड किया जाएगा वो, और आप लोगों का भी सिंगल वीडियो बनेगा। तो बहुत बहुत मुबारक, अब दिवाली के पटाखे धूम धड़ाके से फोड़िए। फिफ्थ पोजीशन पे हैं श्रुति जोशी, शीतल मोहंती एंड खुशी सिन्हा, हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस। वाओ जजेस, ये तो कमाल हो गया, टाई हो चुका है, क्या बात है। So much the Songs Bank for giving me such an amazing platform. I also want to thank the judges panel, Vinod Rathore sir, Pamela Jain ma'am and Smail Darbar sir for giving such an inspiring comments. And I also want to thank Jasleen Matharudi for anchoring the show such beautifully. Thank you so much. Namaskar, main Suresh Kumar Joshi, bahut bahut aabhari hu Song Bank ki puri team ka jo is tarah ka online show laaye hain. Ye show super duper show hit hua hai.
और इसमें जो पार्टिसिपेट बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, जज बहुत ही नॉलेज वाले हैं, इस्माइल दरबार जी, पामेला जैन जी और विनोद राठौड़ जी वेल नोन जज हैं, और इस्माइल दरबार जी और इन्होंने जो कमेंट्स दिए बच्चों को बहुत ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो बोला है बहुत ही बढ़िया बोला है, उनका एक वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना वो बहुत ही अच्छा कमेंट है, वास्तव में हर पार्टिसिपेंट को इसको फॉलो करना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सॉन्ग बैंक का, थैंक यू। सॉन्ग बैंक और सारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं शीतल मोहंती और सबसे पहले मेरा प्रणाम जाता है इस्माइल सर को, पैमला मैम को और विनोद राठौर सर को, और वेरी ह्यूज थैंक्स टू सॉन्ग्स बैंक जिन्होंने मुझे मौका दिया है। एक सॉन्ग्स बैंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे बडिंग आर्टिस्ट्स के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सॉन्ग्स बैंक ने मुझे एक सिंगल ऑफर किया है, और इस लॉकडाउन में हमने कभी सोचा नहीं था कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें इतना कुछ ऑफर करेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि मुझे एक सिंगल ऑफर मिला है। नमस्ते, मैं पिताजी हूँ शीतल मोहंती का, संघ बैंक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जनाता हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका जो इंटीरियर से लेके हर कोई को एक मौका मिलता है, वेरी वेरी थैंक्स टू द एसोसिएट्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द संघ बैंक टीम, एंड ऐसे ही लगातार रह रहे सो दैट सब कोई आगे बढ़े, धन्यवाद। मैं शीतल की मम्मी हूँ, पहले तो संघ बैंक स्कूल टीम को मुझे मेरा बहुत 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 थैंक्स, और मेरी देन मेरे सर पामेले जी मैम और इस्माइल दरबार जी सर और विनोद राठौर जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और शीतल जो सिंगल जीती है हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हो। शीतल की म्यूजिक के लिए मैं बहुत छोटे समय से शीतल क्लास वन से मैं बहुत लगी थी, और शीतल भी बहुत लेबर की थी, और आज ये प्लेटफॉर्म में पहुँच के मैं हम लोग बहुत खुश हूँ, और मैं शीतल के लिए बहुत मैंने ट्राई कर रही थी कि जो हम लोग को ऑनलाइन में शीतल जाती थी, बट लास्ट मोमेंट में कुछ होता था, कुछ ऐसे इतना अच्छा गा के भी शीतल रिटर्न होके आती थी, बट ये जो ऑनलाइन का ये मुझे इतना मैंने खुश दे रहा है कि शीतल जो भी हो उसके टैलेंट में वो जितना तक गई मैं बहुत खुश हूँ, तो बस यही मेरा। Hello, I'm Sheetal's brother and I'm very happy that she has won a single from Songs Bank, and it's a great initiative that Songs Bank is taking, and during these COVID times when everyone faces a lot of fraudulent activities, but Songs Bank has been a great support for all these individuals and these artists who have been trying their work hard, they've been working hard day and night to achieve their goals, and wish you all the very best to all the participants and Sheetal Mohanty. तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस सॉन्ग बैंक का जर्नी जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जजेस ने बहुत कुछ कमेंट्स दिया और बहुत एनकरेज भी किया है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। I would like to thank Song Bank for giving me this opportunity to be a part of this amazing show. I am really grateful to all the judges, Vinod sir, Ismail sir and Pamela ma'am, क्योंकि आपके जितने भी comments हैं, जितने भी feedbacks हैं, चाहे वो शेरनी की तरह खुल के गाना हो या डूब के गाना हो या अपनी मुर्गियों को और क्लीन करना हो, मैंने सभी बातों का ध्यान रखने की कोशिश की है और कोशिश की कि इन सभी बातों को अपनी सिंगिंग में इनकल्केट कर सकूँ और इम्प्रोवाइज कर सकूँ, और आगे भी ये कोशिश करूँगी कि जजेस के सभी जजेस के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गा पाऊँ। थैंक यू। नमस्कार, आज मैं चाहूँ भी तो अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को मैं शायद एक्सप्रेस करने में पूरी नहीं उतरूँगी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सॉन्ग बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी,
और सभी जजेस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस पेंडेमिक टाइम में उन्होंने बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस पूरे टाइम में बच्चों ने अपना द बेस्ट देने की कोशिश की है, और इससे बड़ा मतलब आपके तक पहुँचने का इससे अच्छा जरिया हो ही नहीं सकता था। मैं बहुत पहले से, जब से खुशी ने गाना गाना शुरू किया, मेरा एक ही सपना था कि कभी ऐसा मौका इसको मिले कि जब ये अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सके, और सॉन्ग बैंक के द्वारा ये चीज़ संभव हो पाई है। तो मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू सॉन्ग बैंक, और ये शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि मैं ही नहीं, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे और भी जो नेबर्स हैं, सभी सैटरडे संडे का इंतज़ार करते हैं। और सिर्फ खुशी का ही पार्ट नहीं, बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स के जितने भी पार्ट्स आते हैं, हम सभी देखते हैं और हर बच्चे को सुनते हैं, और सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप, जीतना हारना तो किसी एक का ही है कि कोई एक ही विनर होगा, लेकिन मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई हारता है तो वो निराश ना हो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप ऐसे ही अपने जो गुरुजन हैं, जो आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं, अपनी इतनी आपको हमेशा गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी बातों को सीरियसली लीजिए और आगे करते जाइए। और मैं तो अपने आप को बहुत समझूंगी कि मतलब आई एम द ब्लेस्ड वन, कि अगर कभी सामने बैठकर कभी ऐसा शो हो कि खुशी परफॉर्म करे, आप गुणीजन वहाँ पर हों और मैं ऑडियंस में बैठी हूँ, तो मेरे लिए ग्रेट डे होगा। थैंक यू सो मच। सभी गुणी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। टैलेंट एंड सॉन्ग बैंक अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास रहा, और बच्चों को आप लोगों ने जिस तरह से गाइड किया, जिस तरह से आप लोगों ने, चाहे तलफ़ुज की बात हो, चाहे सुर की बात हो, चाहे ताल की बात हो, हर तरह से आप लोगों ने बच्चों को गाइड किया, और एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। इसके लिए इनफैक्ट नॉट मी बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने देखा, आपका आभारी रहेंगे। इस तरह का प्रयास जारी रहेगा, ये मेरी आशा है, और ये बच्चे आपके सजेशंस, आपके आशीर्वादों से आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही हमारी तरफ से आप लोगों से प्रार्थना है। तीनों गुरुजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कोरोना काल में जिस तरह से आपने इस वर्चुअल लर्निंग को का इजाद किया, उसका यूटिलाइज किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी गाना रिकॉर्ड किया जाएगा सॉन्ग बैंक की तरफ से, और इनका भी एक सिंगल वीडियो बनाया जाएगा। पोजीशन पे है दीपाली सक्सेना। तो बेटा दीपाली, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आपके साथ एक गाना रिकॉर्ड होगा सॉन्ग बैंक की तरफ से, और उसका वीडियो भी बनेगा। तो देखिए, एकदम दिवाली का धमाका है ना, तो आपने भी कुछ हारा नहीं है, आप भी जीत के जा रही हैं। और दूसरे बच्चे का नाम है निधि शिनॉय, इनका भी गाना रिकॉर्ड किया जाएगा सॉन्ग बैंक की तरफ से, और इनका भी एक सिंगल वीडियो बनाया जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टैलेंट हंट शो, व्हिच इज ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉन्ग्स बैंक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच लेजेंडरी पीपल इज मेल दरबार सर, परमेला मैम एंड विनोद सर। थैंक यू सो मच, यू नॉट ओनली गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड शो केस माई वॉइस एंड टैलेंट, बट यू ऑल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर अ सॉन्ग दैट इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर मी, दैट इज अ सिंगल। थैंक यू सो मच मुझे एक सिंगल देने के लिए, इट रियली 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 मीन्स अ लॉट। होप यू गाइज हैव इवन मोर सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच अगेन। कर मैं निधि शेने की माँ बात कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज दिया मेरे बेटे को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, और इनका टैलेंट हंट सच बोलो तो ये अभी कोरोना का टाइम में तो बहुत घर में बैठे
बच्चे और पेरेंट्स भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपने इतना अच्छा टैलेंट ढूंढ ढूंढ के बच्चों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज दिया, और इतना बहुत बड़ी सिंगर सलमा आगा जी, उनका सॉन्ग वो मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग था, और मेरे बच्ची ने उनका सामने गाया हुआ है, यही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। थैंक यू सॉन्ग बैंक और टैलेंट हंट। भगवान करे आप लोगों को बहुत अच्छा इन मेरे बेटी जैसा और भी टैलेंट होगा भारत में, इंडिया में, उनका जो पूरा, उनको भी आप बहुत अच्छा मौका देके उनको भी आगे लाए, और आप भी भगवान की दया से बहुत आगे जाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रकाश शेने बाकर निधि शेने का बापू। मैं बैंगलोर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं सॉन्ग बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि वे मेरे बेटी को एक अच्छा बिग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू प्रूव हर सेल्फ दैट जो उसने जो सिंस द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम द लास्ट 4-5 years शी हैज बीन कॉम्पिटिंग इन द लास्ट ऑफ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। She has given some shows, talented shows, everything, and this is also one of the big opportunity is given by Song Bank, and also an opportunity to prove herself in front of Vinod Rathod ji and Ismail Darbar ji and Pramila Jain ji, and I once again put thank you for the Song Bank. Namaskar ji. I really thank Songs Bank Talent Show 2020 for giving me such a brilliant opportunity to sing in front of such legendary people, Ismail Darbar sir, Pamela Jain ma'am, and Vinod Rathod sir. Thank you so much for giving me such an opportunity to sing in front of them, and my voice falling in their ears is a big, big, big achievement for me. Thank you so much. हेलो एवरीवन, आई एम वेरी थैंकफुल टू द सॉन्ग बैंक जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ जाना है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। द सॉन्ग बैंक की पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए इतना बड़ा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जहां इस लॉकडाउन में हम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, वहां हमें इस प्लेटफॉर्म ने एंटरटेन भी किया, हर कोने कोने से टैलेंट को भी लेकर आए सामने, हमने परफॉर्म किया, और आज मैं आप सभी के सामने हूं, यहां तक पहुंची हूं तो सिर्फ द सॉन्ग बैंक की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जिसके जजेस द क्रेट स्माइल सर, विनोद सर, पैमेला मैम, एंड हमारी स्पेशल गेस्ट सलमा मैम, एंड हमारी एंकर जसलीन मैम, जहां इतने बड़े बड़े जजेस होंगे वहां हमारे साथ कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा होगा। इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं आज यहां पर हूं आप सभी के सामने। इस पूरी जर्नी में मेरी फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है जो मैं यहां आपके सामने हूं। मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से, मेरी फैमिली की गाइडेंस की वजह से मैं इतना पॉजिटिवली परफॉर्म कर पाई हूँ। सो थैंक्स टू माय फैमिली एंड वंस अगेन होल टीम ऑफ द सॉन्ग बैंक फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम थैंकफुल टू सॉन्ग बैंक कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए और उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मेरी सिस्टर को। सो मी एंड माय होल फैमिली फील प्राउड ऑफ हर, और वो ऐसे ही अपना बेस्ट देती रहे, हम उसे हर जगह सपोर्ट करेंगे, और अभी उसे बहुत हार्ड वर्क करना है
एंड वी विल सपोर्ट हर इन एवरी सिचुएशन. तो ऐसे ही मेहनत करती रहे. एंड जेन्युइनली इफ आई से आई एम सो मच हैप्पी कि वो इतना आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और हमें बहुत ही खुशी होती है. तो वंस अगेन आई एम सो मच हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक सॉन्ग बैंक एंड ऑल द जजेस हु हैज गिवन हर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. एंड थैंक यू सो मच. हेलो नमस्ते. मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ द सॉन्ग बैंक का, जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से ये सारे बच्चे अपना हुनर दिखा सके हैं. और इस वजह से मेरी बहन दीपाली सक्सेना आज यहाँ तक पहुँची है. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तो द सॉन्ग बैंक का और सभी जजेस का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर दीपाली को जज किया, गाइड किया और उसकी कमियां और अच्छाइयां बताकर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित की है. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द सॉन्ग बैंक एंड ऑल टीम मेंबर्स ऑफ द सॉन्ग बैंक एंड ऑल द जजेस. थैंक यू सो मच. तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको सॉन्ग बैंक की तरफ से गाना और वीडियो दोनों मिल गया, तो बहुत बहुत मुबारक. लेकिन मैंने ना सॉन्ग बैंक वालों से एक रिक्वेस्ट की और मैंने उनसे कहा यार क्यों ना इनको सेकंड बैटल के लिए बच्चों को एक चांस दिया जाए. तो बच्चों बहुत समझाने के बाद उन्होंने मेरी बात को माना और कहा कि ठीक है इस्माइल भाई, अगर आप कहते हैं तो ज़रूर करेंगे. बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों. तो आप जल्दी से सेकंड बैटल के लिए फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग टैलेंटेड हो, आपको एक चांस और मिलना चाहिए. ये तो जो गाने का जो मौका मिला है और वीडियो का जो मौका मिला है, यही बात ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए. फिर हमने सब ने मिलकर ये डिसीज़न लिया सॉन्ग बैंक की तरफ से कि इन बच्चों को एक चांस और दिया जाए. तो बच्चों सेकेंड बैटल के लिए जल्दी से फॉर्म भर देना, मेरी इज्जत का सवाल है, और खूब मेहनत करके आना बेटा. गॉड ब्लेस यू. और गाइस बैटल 2 के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल भी कीजिए और मिलते हैं जल्दी बैटल 2 राउंड में. ऑलराइट एवरीवन स्टे ट्यून्ड. आप हमारे सॉन्ग्स बैंक के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको मिलेंगे सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट आवर फेवरेट शो द सॉन्ग्स बैंक. ऑलराइट सी यू गाइस सून.